सोशल मीडिया पर इतना फैन वॉर क्यों होता है भाई? क्या रीजन है आखिरकार एक दूसरे को ट्रोल करने का? हालांकि ट्वीट सामने आए दो और शहनाज गिल ने वहां पर एक अच्छा खूबसूरत सा रिप्लाई दिया। क्या कहा, पहले उन ट्वीट्स के ऊपर नजर डालते हैं। ये किसी पूजा जी का ट्वीट है और यहां पर लिखा हुआ है, दिस फैंडम थ्योरी वॉज ऑलवेज क्रिएट बाई पीपल हु लव टू फीड देयर ऑन ईगो बाई categorizing himself and other two Siddharth Shukla and Shehnaaz Gill is never create different winner whenever any fans has meet them so why are you doing so under their name। इसके नीचे एक ट्वीट और है, ये वाला, इसके अंदर लिखा है एंड दे हैव ऑलवेज लव ऑल देयर फैंस इक्वली सो पीपल Who encourage this should just stop categorizing right away. Celebrate them and support them unconditionally without any judgment. It's high time you guys stop feeding your ego. Stop feeding your ego, Siddharth Shukla, Shehnaaz Gill. कुछ लोग ईगो वगैरह दिखा रहे हैं, कुछ लोग घमंड कर रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, आपस में फैन वॉर चला रहे हैं, यानी कि सिद्धार्थ शहनाज के लिए गलत गलत क्रिएटिविटीज दिखा रहे हैं। अपने आइडल को सपोर्ट करने की बजाय हम उनके फैन से ही लड़ रहे हैं, क्या हो गया है ऐसा? इसके ऊपर शहनाज गिल का बड़ा खूबसूरती की तरीके से रिप्लाई सामने आया। जो शहनाज गिल ने यहां पर रिप्लाई दिया, You are a darling, but I understand, correct? I should, we said love you all, cause I do and unconditionally, I can never prioritize any one of you. So here goes, I love you all and sorry if I will hurt anyone. Shehnaaz Gill खुद sorry कह रही है। अगर आप इस बात से हर्ट हो रहे हो, अगर आप इस बात से आपका दिल दुख रहा है, दिल टूट रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं, मुझे माफ कर दो इसके लिए। फैन वॉर के चक्कर में, अगर फैन वॉर में लड़ाइयां हो रही हैं, आपस में लड़ा जा रहा है, तो वहां पर अपना आइडल हमसे माफी मांग रहा है क्यों यार? क्या ऐसी वजह आ गई है ये सब करने की? क्यों हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर? क्या इतने लोग गिर गए हैं कि एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं? बस यही सब काम रह गया है। मोदी जी थोड़ा सा काम कारोबार दे दो इन लोगों को यार, कुछ करके खा लेंगे भाई ये लोग। थोड़ा सा इनके काम कारोबार नहीं है, फ्री इंटरनेट आप लोगों ने दे दिया है, ये साले सोशल मीडिया पर आके एक दूसरे को कुछ भी, यानी कि अपना मुंह अपनी बात कहते हुए चले जा रहे हैं। शुक्र मनाओ इंडिया के अंदर तुम्हारी आईडी के आगे आधार नंबर नहीं आता। अगर आधार नंबर आता सबसे पहले तुम ही कैदी होते जेल के अंदर। क्या कर सकते हैं भारत। चलिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में फिर सब कमेंट करके बताइए भाई। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपडेट्स लगातार आपसे शेयर की जा रही है।